नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की नई भर्ती के बारे में। यहाँ पे मैं डेट सबसे पहले बता देता हूँ, दिसंबर महीने की ये वैकेंसी है। दिसंबर 2023 में इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं क्लास वाले बच्चे अभी अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स है जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको भी आप अप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी हर बार नहीं मिलेगी आपको। रेलवे की तरफ से ये एक परमानेंट जॉब है, ये एक तरीके से ये मान के चलिए। आप इसको स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेलवे की तरफ से ये एप्लीकेशन यानी कि नोटिफिकेशन फॉर्म निकला हुआ है। नोटिफिकेशन के द्वारा आप नीचे गिवन जो भी वेबसाइट है उससे आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 28/12/2023 में डेट दिखा रखी है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो 28 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप अप्लाई कर दीजिए। 29/11/2023 से यहां पे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। 28/12 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट ये सब ध्यान रखना। आप क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको, 10th क्लास पास सिंपल सा यहाँ पे 2.2 में आप दिख रहा होगा आपको क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। और ये 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब है, 10+2 मतलब सभी आजकल यहाँ पे सभी बोर्ड में यही सिस्टम है, तो ये आप इग्नोर करें। 10वीं क्लास खाली आप अगर उत्तीर्ण हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और पूरी डिटेल्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। 3rd पॉइंट में 100 रुपये फीस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो 100 रुपये की फीस के साथ में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। कैसे करना है, 5.1 में इसकी वेबसाइट दे रखी है, RRCSER.CO.IN पे जाके आपको अप्लाई कर देना है, सिंपल सा। और इसी सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरी नहीं है, ये आप नीचे देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पूरी 8 तरह की वैकेंसीज है, यानी कि 8 तरह की नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जोन एरिया में, जोनल एरिया जो भी होता है उसमें अलग अलग ग्रुप डी वाली वैकेंसीज निकली हुई है। फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और जो भी ग्रुप डी वैकेंसीज होती है, ये सारी वैकेंसीज है। तो ये आप आराम से पढ़ लीजिए, जिस भी रीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना रीज़न देख लीजिए, या फिर नियर बाई जो भी रीज़न होता है उसमें भी आप आवेदन कर पाओगे। नीचे लिंक दे रखा है, आराम से पूरी डिटेल में आपको फॉर्म भर के बता दूंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हो। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ये ध्यान रखना। आप नीचे लिंक दे रखा है, वो चेक कर लीजिए आप। धन्यवाद।